डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कॉमन पॉइंट्स और कॉमन बातें बताऊंगा, विच आर वेरी फ्रूटफुल रिगार्डिंग टीजीटी एग्जामिनेशन। वन पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, एंड रोमांटिक एज इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1798 टू 1837, 1798 से लेकर 1837 तक का जो पीरियड है वो रोमांटिक एज के नाम से जाना जाता है। 1798 क्यों फेमस है? चूँकि 1798 ईस्वी को लिरिकल बैलाड आया। लिरिकल बैलाड अ जॉइंटली वर्क ऑफ एसटी कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। फर्स्ट टाइम इट पब्लिश्ड इन 1798, दैट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नम ऑपस of William Wordsworth and S.T. Coleridge, या इन अदर वर्ड्स यू मे से कि रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 से इसलिए मानी जाती है कि जितनी भी फीचर्स हैं रोमांटिक एज के, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली बार वो 1798 के लिरिकल बैलाड में नज़र आते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड विच पब्लिश इन 1798, इट कंसिस्टेड 23 पोएम्स, 19 पोएम्स वर रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाई कॉलरिज। जो पहली पोयम थी आउट ऑफ 23, वो राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर थी, और जो कंक्लूडिंग पोयम थी वो वर्ड्सवर्थ की 93 थी। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लिरिकल बैलाड जो 1798 में आया उसमें कितनी पोयम थी? 23 पोयम्स थी, जिसमें से 4 जो है एसटी कॉलरिज ने लिखा था और 19 जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और जो सबसे पहली पोयम थी वो कॉलरिज की राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर थी, और जो कंक्लूडिंग पोयम थी कौन सी थी? 93 थी। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि 1837 में क्या हुआ था। 1837 में क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। दिस इज वाई इट इज सेड दैट रोमांटिक एज एंडेड, या इट केम टू एंड, और एक नया एज शुरू हो जाता है, दैट वॉज द विक्टोरियन एज फ्रॉम 1837 टू 1901। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रोमांटिक एज से रिलेटेड, जो डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रोकन आउट। इट गेव द स्लोगन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। 1785 में द गीता ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश में, फ्रॉम संस्कृत इन टू इंग्लिश बाई जॉन विल्किंसन, एंड इट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टिसिज्म इन यूरोप। तो एक बड़ी बात आती है कि 1785 में किसका इंपॉर्टेंस था? द गीता का ट्रांसलेशन हुआ था संस्कृत से इंग्लिश में बाई जॉन विल्किंसन के द्वारा। 1789 में जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रोकन आउट, इट गेव द स्लोगन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। तीसरा चीज, क्लोजिंग डेट में एक और डेट आती है 1850। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ मरे थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत के बाद ही रोमांटिक एज खत्म होता है। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, 1832 में रोमांटिक एज का समापन होता है, चूँकि 1832 में द फर्स्ट रिफॉर्म बिल वॉज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल ऑफ इंग्लैंड। गरीबों की हालत में सुधार के लिए पहला रिफॉर्म बिल पेश किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो कुछ लोग कहते हैं कि रिफॉर्म बिल के साथ ही जो है रोमांटिक एज का खात्मा हो जाता है, विक्टोरियन एज शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो राइटर्स या क्रिटिक हैं वो ये सहमत हैं इस पर कि 1798 ईस्वी में रोमांटिक एज शुरू होता है और 1837 में रोमांटिक एज ख़त्म होता है। रोमांटिक एज में और किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया? एक बड़ा नाम आता है रूसो का, जिन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किताब का क्या नाम था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने 3 स्लोगन दिया था, रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंड एवरीवेयर, एजुकेशन सप्लीमेंट्स मैंस नेचर। एक्सेप्ट रूसो, एक और आदमी है जिनका नाम था विलियम गॉडविन, उन्होंने भी रोमांटिक एज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। वो एक पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसोफर थे। ही रोट अ बुक पॉलिटिकल जस्टिस। उनकी बेटी मेरी गॉडविन पीबी शैली के साथ इलोप कर जाती है या कर गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आखिर रोमांटिक एज में क्या क्या फीचर्स थी। रोमांटिक एज की सबसे बेसिक फीचर्स दैट वाज टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, नॉट ओनली द एक्सटर्नल ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी, बट आल्सो फिलोसफिकल ब्यूटी। तीसरा चीज़, रोमांटिक एज में जो भी पोएम्स लिखी गई है उसकी ज़्यादातर सेटिंग कंट्री साइड या विलेज एरिया है, जिसमें माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, गार्डन
है, हिल्स है, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड दीज थिंग्स. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस एज में ज़्यादातर जो पोएम है वो सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में, स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम लिखी गई. तीसरा चीज़, इसमें जो है जो पोएम कंपोज की गई वो ब्लैंक वर्ड्स में कंपोज की गई. और रोमांटिक एज के जो पोएट्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है. एक तो ओल्डर जनरेशन ऑफ पोएट, जिसमें आपके रॉबर्ट सदेव, जिसमें आपके एस टी कॉलरेज और जिसमें आपके विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, इन लोगों को जो है लेक पोएट्स के भी नाम से जाना जाता है, चूँकि वे लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे. लेक किसी झील का नाम नहीं, लेक वॉज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. एक दूसरा ग्रुप है जिसको यंगर जनरेशन ऑफ पोएट्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है आपके पी वी शैली, लॉर्ड बायरन और जॉन कीट्स आते हैं. और फिर उसके बाद ये आता है कि रोमांटिक एज में और दूसरी क्या खासियत थी, ज़्यादातर जो पोएम्स रही है वो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री रही है, और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, शॉर्ट पोएम्स भी कंपोज किए गए. ओड का बोलबाला था, लिरिक का बोलबाला रहा है, लिरिक के साथ साथ सॉनेट कंपोज किए गए. सॉनेट की अगर हम बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद 523 सॉनेट डटन सॉनेट के नाम से लिखा हुआ है, जिसमें उनके कुछ इंपॉर्टेंट सॉनेट्स हैं, मिल्टन 1802, और एक उनका सॉनेट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर इन एग्जामिनेशन ऑन 8th March तो यू हैव टू गो विद द लाइन्स ऑफ दीज पोएम्स, इसे आपको पढ़ के जाना है. इसके अलावा जो है लॉन्ग पोएम्स भी लिखी गई, जिसमें लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स में द प्रील्यूड एक एपिक आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, या 14 बुक्स में है. और इस द प्रील्यूड का सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड, 1805 में लिखी गई थी, 1850 में पब्लिश हुई है. इसके अलावा जो है रोमांटिक एज की खासियत में एक टर्म आता है पैंथिज्म. पैंथिज्म का मतलब गॉड इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज गॉड. इट मीन्स दैट कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, ईश्वर हर जगह मौजूद है. इस कॉन्सेप्ट को लेना या इस कॉन्सेप्ट को जन्म देना ही पैंथिज्म है. एक और खासियत है मिस्टिसिज्म. मिस्टिसिज्म का मतलब कि टू बिलीव इन अनबिलीवेबल थिंग्स, ऐसी चीज में विश्वास करना जो विश्वास के लायक, मतलब विश्वास के लायक ना हो, जिसे आप नंगी आंखों से ना दे सकते, विच यू कांट सी विद योर ओपन आईज. अगर मैं एक जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम 1890 में कहते हैं कि जो सूरज चढ़ रहा है या जो सूरज निकल रहा है, जो चढ़ता हुआ चांद है, बहती हुई हवा है, नदियों का जो वाटर है, इसको चलाने वाली कोई शक्ति है, जिसे उन्होंने कहा कि अनसीन पार, कि मैं एक अनसीन पार को देख रहा हूँ, वह उसको महसूस करते हैं. तो विलियम वर्ड्सवर्थ की यह खासियत रही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अनसीन पार के बारे में बात करते हैं, और वही अनसीन पार को महसूस करना, उसको देखना ही जो है एक तरह से क्या कहा जा सकता है, मिस्टिसिज्म. सच अ टाइप ऑफ पार विच यू कांट सी विद योर ओपन आई, बट अल्टीमेटली जिसे कहा जा सकता है कि मन की आई से जिसके प्रेजेंस को हम फील करते हैं, दैट इज़ नोन गॉड ऑलमाइटी, उसके उसको वो वहाँ पे बताते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर की एक्सटर्नल ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी और फिलासफिकल ब्यूटी को पेश किया. नेचर उनकी नज़र में गाइड है, गार्जियन है, केयर टेकर है, नर्स है. विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़र में जो नेचर है सेंटर ऑफ पीस है, काम है, ट्रैंक्विलिटी है, ब्यूटी है. इसके अलावा रोमांटिक एज के और जो पोएट्स आते हैं, पी वी शेली अपनी रिवोल्यूशनरी थाट के लिए फेमस है. पी वी शेली ने ओ टू द वेस्ट विंड लिखा, ओ टू स्काई लार्क लिखा. पी वी शेली का ओ टू द वेस्ट विंड टर्जा राइमा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. और पी वी शेली को नॉट ओनली रोमांटिक एज बल्कि पूरे इंग्लिश लिटरेचर का सबसे अच्छा लिरिसिस्ट माना जाता है. जहाँ तक हम जॉन कीट्स की बात करते हैं, तो जॉन कीट्स अनडाउटली अ वेरी लीडिंग पोएट, अ वेरी वेल नोन पोएट. उनको हम किंग ऑफ ओड के नाम से जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत ओड लिखे हुए हैं. ओड टू नाइटिंगल है, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है, ओड टू आटम है, ओड टू ड्यूटी है. इसके अलावा कॉलरिज की अगर हम बात करें तो कॉलरिज के बारे में कहा जाता है ही वॉज अ सुपर नेचुरल पोएट, ही वॉज अ मैन ऑफ ओपियम ईटर. इसके अलावा उन्होंने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो पोएम लिखी है वह भी बहुत ब्यूटीफुल पोएम, बहुत अच्छी पोएम है. और भी बहुत सारी उनकी पोएम्स हमें देखने को मिलती है. लॉर्ड बायरन भी एक रिवोल्यूशनरी थाट के साथ उस एज के पोएट रहे हैं. उस एज में जो सबसे बड़े एसेइस्ट थे दैट वॉज चार्ल्स लैम, जिन्होंने एसेज ऑफ इलिया लिखा है. उनका एक वेल नोन एसे ड्रीम चिल्ड्रेन, अभी उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था. और उस एज की जो बड़ी लीडिंग नावलिस्ट रहे हैं जेन ऑस्टिन थी. जेन ऑस्टिन डोमेस्टिक नावल लिखा, डोमेस्टिक नावल में फैमिली अफेयर्स को लेकर के बात की जाती है. और एक और नावलिस्ट थे जिनका नाम था सर वाल्टर स्कॉट, जिन्होंने हिस्टोरिकल नावल लिखा. और कुछ इम्पॉर्टेंट नावल्स सर वाल्टर स्कॉट के हैं, जिसमें इवान हो है, तलिस्मा है,
और आपका केनिल वर्थ है। तो अगर हम पूरी रोमांटिक एज की बात करें तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्रिटिक के रूप में दो लोग सामने आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और एचटी कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो क्रिटिक के रूप में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो केवल प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड है विच केम इन 1800 जो 1800 ईस्वी में आता है। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में विलियम वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन के बारे में बात करते हैं। डिक्शन मीन सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। उन्होंने कहा कि पोयम में रस्टिक लैंग्वेज और रस्टिक पीपल के बारे में लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ डिफिनेशन दी कि पोएट्री इज़ द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने यह भी बात कही है कि अ ग्रेट पोएट इज़ अ ग्रेट टीचर, क्योंकि उनकी पोयम में हमें कहीं ना कहीं एक टीचिंग का भी एहसास होता है। वो बताते हैं, वो प्रीचिंग का काम करते हैं जब वो कहते हैं कि नेचर गाइड है, गार्जियन है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो दैट इज़ कि उन्होंने इस तरह से भी किया हुआ है। क्रिटिक के रूप में दूसरा नाम अगर हम लेना चाहेंगे दैट इज़ एचटी कॉलरिज। एचटी कॉलरिज ने एक अच्छी किताब लिखी जिसका नाम बायोग्राफिया लिटेरिया है जो 1817 में पब्लिश होता है। और उस किताब में वो ये बात करते हैं इमेजिनेशन और फैंसी के बारे में। वो कहते हैं फैंसी मीन्स फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। फैंसी मीन्स फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। इमेजिनेशन के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि इट डिजॉल्व्स डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। और उन्होंने ये भी बताया इमेजिनेशन दो तरह से होता है, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन इज रिलेटेड टू कॉमन मैन वाइल सेकेंडरी इमेजिनेशन इज रिलेटेड टू पोएट। ये सारी की सारी बातें जो है किससे रिलेटेड है, रोमांटिक एज से, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से बड़े पोएट थे, तो एट अ ग्लांस में उसके फीचर्स, उसकी चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। इसके पहले के मेरे सारे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल जे एस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी को आप सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लाइक करिए, शेयर करिए और जो बेल आइकॉन है उसको आप दबाइए।